इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अभिनय की दुनिया में बड़ा मुकाम पाने की खातिर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और उनका ये बलिदान काम भी आया। इस लिस्ट में ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के लिए स्कूल को छोड़ दिया और स्क्रीन पर आए। इस आर्टिकल में आज हम आपको एक ऐसे सुपरस्टार के बारे बता रहे हैं जो अपनी कॉलेज का टॉपर था और उसने भी बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ी। उसे मुकाम भी मिला लेकिन बाद में उसकी लाइफ में एक ऐसा तूफान आया कि उसे अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। यहाँ हम जिस अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसा स्टार था जिसका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में जगह बनाई और कम ही वक्त में वो एक सुपरस्टार बन गया। उन्होंने अभिनय के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दी और कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया। वो कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत है। बिहार के पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में पूरी की। कथित तौर पर अभिनेता को खगोल भौतिकी में रुचि थी और उन्होंने भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड जीता था। इतना ही नहीं, अभिनेता ने 11 इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं पास की और DCA की परीक्षा में A7 हासिल किया। अभिनेता पढ़ाई में हमेशा अच्छे थे लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो हमेशा एक अंतरिक्ष यात्री और बाद में वायु सेना पायलट बनना चाहते थे। लेकिन उनकी रुचि बॉलीवुड में भी थी क्योंकि वो शाहरुख खान इंस्पायर्ड थे और उनके बड़े फैन थे। अपनी स्टडी के दौरान सुशांत सिंह ने खुद को श्यामक डावर की डांस क्लास में नॉमिनेट किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने थिएटर निर्देशक बैरी जॉन के तहत अभिनय कक्षाएं भी शुरू की। फिर उन्होंने एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और धूम चुके धूम अगेन गाने और 2006 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में ऐश्वर्या राय के अभिनय भी किया। इसके बाद इसी छोटी यात्रा के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने अभिनय करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दी और वे मुंबई चले गए। वहां वे थिएटर उद्योग में काम करने के साथ साथ गुजारा करने के लिए छोटी मोटी नौकरियां भी करने लगे थे। जब सुशांत पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे तो उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स की एक कास्टिंग टीम ने देखा और उन्हें एक ऑडिशन के लिए कॉल आया। उन्होंने 2008 में किस देश में है मेरा दिल सीरीज में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। शो में उनके प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों के दिल में छाप छोड़ी बल्कि निर्माता एकता कपूर ने भी उन्हें मुख्य भूमिका में पवित्र रिश्ता के लिए सेलेक्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत को कैपोचे के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने देखा। उसी समय अभिनेता को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति भी मिली लेकिन उन्होंने कैपोचे के प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए इसे छोड़ दिया था। आपको बता दें कि फिल्म कमर्शियल तौर पर सफल रही और इसमें अमित साध और राजकुमार राव सहित अन्य ने भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। इसके बाद उन्होंने राजकुमार हिरानी और आमिर खान अभिनीत PK में अभिनय किया और हालांकि उनकी भूमिका छोटी थी लेकिन उन्होंने अपने कैमियो के जरिए ही लाखों दर्शकों को इम्प्रेस कर लिया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म ने दुनिया भर में 792 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उनकी अन्य हिट फिल्मों में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जिसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 215 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और छिछोरे ने दुनिया भर में 211 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उनकी इन तीनों फिल्मों 1218 करोड़ के बजट का कलेक्शन किया था। अभिनेता अपने करियर के चरम पर थे जब वह बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत राजपूत ने 34 साल की उम्र में अंतिम सांस लेते हुए प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया था। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई क्योंकि इसे केवल 24 घंटों में 95 मिलियन से अधिक बार देखा गया। अभिनेता को आज भी उनके प्रशंसक बेहद प्यार करते हैं और उनकी मौत की असली वजह अब तक किसी को नहीं पता।